काफी व्यूज आते हैं इन चीजों के, बट द काइंड ऑफ मटेरियल और कंटेंट जो उसमें जनरेट हो रहा है वो बहुत अच्छा है इंटरनेट पे. आई थिंक मैं भी कभी आना चाहूंगा उसमें. दैट्स नाइस. आशीष चंचलानी की वीडियोस में भी मैं आना चाहूंगा. ओह सो स्वीट ऑफ यू. कार्तिक भाई ऐसा हुआ है कभी कि अभी आपने ये 3 मूवीज की, अब मुझे ऑप्शंस देना चालू कर दो केबीसी की तरह. एक हर सवाल के बाद मतलब एक 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 एडजेक्टिव ना सकता और मैं डर जाता हूं तब. चंचलना नहीं नहीं बोलो. मैं क्वेश्चन ले आऊं सर, आपकी आंखें इतनी अच्छी, मैं क्वेश्चन भूल जाता हूं. तो मैं ये पूछा था आपसे कि आप ऐसे काफी ऐसे रोल्स करते हो जिसमें आप भड़ास निकालते हो रिलेशनशिप्स के उधर, तो ऐसे कभी कभी सोच जाता है कि रियल लाइफ में आपको लोग फिर स्टीरियोटाइप करना चालू हो जाते हो. हैव यू मेट अ क्रेजी फैन और समथिंग लाइक वुड लाइक टू शेयर समथिंग. क्रेजी फैन मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जहाँ पे मेरे घर पे एक फैन थी वो आ गई थी और वो उन्होंने मेरी फोटो और उनके साथ एक शादीशुदा फोटो लेकर आ गई जिसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि हम दोनों शादी कर चुके हैं. एंड शी वाज एक्चुअली सीरियस अबाउट इट कि हम लोग शादी कर चुके हैं तो हम लोग को साथ में होना चाहिए. तो वो मेरे को थोड़ा सा क्रेजी लगा था. मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम हुआ था लेकिन रक्षाबंधन मतलब उसकी फोटो लाई थी, फोटो लाई थी, फोटो लाई थी राखी बंधन. बहुत बाहर है इंडस्ट्री से, वहाँ से यहाँ पे आना, आप यू लुक अप टू समवन जो जिन्होंने अपना निश बनाया है इंडस्ट्री में. एंड ही समवन आई थिंक ही इज डन अमेजिंगली वेल. ही इज अ सुपरस्टार. सो या ही इज अ सेल्फ मेड सुपरस्टार टू बी ऑनेस्ट. सो वी आर एट द IFFF 8th सीजन नाउ. मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप एक्टर नहीं होते ये फील्ड में इन द मूवी फील्ड, व्हाट प्रोफेशन वुड यू चूज, व्हाट वुड बी द सेकंड मोस्ट प्रोफेशन यू वुड डू? मेरे लिए एक्टिंग ही था हमेशा से. और कुछ मैंने सोचा नहीं था. मैं इस हद तक आ गया था कि मैं एक्चुअली पढ़ाई करके एक्टर बन रहा था. तो पढ़ा लिखा एक्टर हूँ मैं एक तरीके से. उसके अलावा मेरे पास प्लान भी था नहीं, कोई भी प्लान भी नहीं था. बट अगर फिर भी पूरी स्कीम में अगर कुछ सोचा जाए तो शायद से डायरेक्शन कल को कभी, बट समथिंग रिलेटेड टू सिनेमा, प्राइमरली एक्टिंग हमेशा से. आपकी फर्स्ट मूवी आपको कैसे भी आप बता सकते हैं, मतलब how you auditioned it, just the process. मतलब उससे ज़्यादा ये था कि मेरे को क्योंकि auditions का पता नहीं लगता था. मैं so because I was staying in New Bombay से Bombay travel करता था, which is like 2.5 hours journey है. train से आता था, local train से. and और वो भी कई बार fake casting calls होते थे क्योंकि पता नहीं था, कई बार वो कभी internet पे कभी डाला होगा लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया होगा, लेकिन कैंसिलेशन का डाला नहीं होगा. तो मैं चला जाता था. सो आई यूज टू कैरी अ चेंज ऑफ क्लोथ्स एंड देन बैग में. ट्रेन से आता था, वहाँ से जाता था, तो 2.5 घंटे ट्रैवल वहाँ जाना, 2.5 घंटे वापस आना. तो वहाँ वॉशरूम में चेंज करता था लोकल स्टेशन में. देन आई यूज टू गो फॉर द ऑडिशंस. एंड ये मैं करीब 2.5 साल तक करता रहा था. इस बीच में ऑडिशंस के टाइम पे मेरे को एक एक्टिंग ट्यूटर उन्होंने भी स्पॉट किया था. तो ही स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर फ्री एक्चुअली. तो वो मेरे लिए बहुत एक बुनंदा हो गया. आपका नाम शायद रूपेश सर जिन्होंने मेरे को क्रिएटिव कैरेक्टर्स करके एक इंस्टीट्यूट वहाँ पे मैंने एक्टिंग सीखी थी. आफ्टर आई थिंक 1.5 or 2 years ऑफ स्ट्रगलिंग, फिर 5 के 6 महीने मैंने पूरा एक डिप्लोमा किया जो मेरे मम्मी पापा को कभी पता ही नहीं था कि मैं पढ़ाई करने DY पाटिल गया हूँ लेकिन पढ़ क्रिएटिव कैरेक्टर्स में रहा. सो दैट हैपेंड विद मी. आई थिंक दैट समथिंग जिसने जो प्रैक्टिस मेरे को होती रही उस एक्टिंग कोर्स के जरिए, आई थिंक उससे मेरी एक्टिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया. एंड एंड फाइनली एक ऑडिशन, काफ़ी ऐसे ऑडिशन थे जो जाता था लेकिन कभी कुछ होता नहीं था. एक ऑडिशन, एक मैंने क्लियर किया था फिल्म का ऑडिशन विच नेवर टुक ऑफ. तो वो भी हुआ है जिसमें फिल्म ही कभी नहीं हुई ऑडिशन क्लियर करने के बाद. तो वो बहुत ज़्यादा
मेंटली स्ट्रेस काफी होता था। फाइनली ये फिल्म पजामा का ऑडिशन क्रैक हुआ, जिसमें 6 महीने तक ऑडिशन चला था। एंड या आई मीन दैट वाज अ टाइम व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि जब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एंड दे वर शॉक्ड ऑफ कोर्स, एंड देन दे केम टू मुंबई एंड आस्क्ड मी क्या हो ये वो सब टू मुंबई, दे वर लाइक हाँ ठीक है कर ले। सो या ये था। सो आपने मॉम डैड को नहीं बताया था ऑफ कोर्स यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, एंड देन व्हेन डिड यू, मतलब जब उन्होंने मूवी देखी व्हाट वाज द रिएक्शन? मेरी मम्मी बहुत स्केर्ड रहती है बिकॉज वो ये क्योंकि इंडस्ट्री से नहीं आते तो हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि हर फ्राइडे एक गैम्बल है, कुछ पता नहीं कि अगले फ्राइडे क्या हो। तो वो एक उन्होंने जब फिल्म देखी थी तो उनको भी लगा था यार ये उनको समझ नहीं आता कि मैं काम सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो एक वैसा रहता ना कि बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन की समझ आए उस मामले में, कि तो एक वो डर उनके दिमाग में था कि हो गया अब इंजीनियरिंग कर ले। तो वो चीज हुई थी, मैं पापा तो मेरा बेटा हीरो बन गया तो एकदम खुश हो गए थे। मतलब वो पड़ोसियों में मतलब वो इश्तेहार दे रहे थे देखो मेरा बेटा। सो या ही इज द हैप्पीएस्ट गाय एंड माय मॉम इज ऑलवेज देयर। यस एंड Do you feel still now you're struggling? मतलब as in I'm not saying the exact amount way like audition and all the process, but struggling to you know come up with or choose the right movie for future. या थैंकफुली अभी एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसमें मैं कई चीज़ें ना कर सकता हूँ, कई चीज़ें ना कर सकता हूँ, तो वो एक स्पेस अच्छा आ गया। एंड क्योंकि मेरा पिछला फ्राइडे अच्छा गया तो अभी वो स्पेस है। एंड मैं बहुत सही ठंडे दिमाग से चूज कर रहा हूँ मेरे हिसाब से कि ये सही है अभी एंड दिस वुड वर्क। तो वो एक स्पेस अभी के लिए करेक्ट है, बाद में मुझे नहीं पता वापस से स्ट्रगलिंग डेज चालू हो जाए, पर अभी के लिए आई एम कंटेंट एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग। एंड ऐसा होता है ना कि आप पूरी लाइफ ड्रीम करते हो कि मुझे एक्टर बनना है, व्हाटएवर योर पैशन इज, एंड देन इट फाइनली हैपेंस टू यू, गो ऑन सेट, आपका आई एम श्योर फर्स्ट डे जब होगा फर्स्ट मूवी का। अरे मेरा फर्स्ट डे फिल्म है अभी ये लुका छुपी जो मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ वो मैं अपने होम टाउन में शूट करने गया तो ग्वालियर। एंड इट्स सरियल फॉर मी कि मैं वहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, ड्रीम किया था, एंड वहीं पे जाके मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ। आई नेवर थॉट कि ग्वालियर में फिल्म शूट करूंगा कभी भी। एंड इट्स अ बिग डील फॉर यू नो फॉर मी कि वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे जिनको दोस्त हैं जिनको सबको जानता हूँ, आई एम शूटिंग एंड सेट वहाँ पे लगा है। तो वो एक बहुत प्राउड फीलिंग मेरे लिए खुद के लिए आ रही थी कि यार ये एक बड़ी बात है मेरे लिए। एंड या आई मीन इट्स अ फीलिंग आई कैन डिस्क्राइब। अभी आपको ये बात तो पता ही है कि बॉलीवुड में से कई लोग हैं जो उनको इजीली स्पून फेड करके काम मिल जाता है। मुझे ये जानना है आपसे, हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन टू दिस बॉलीवुड स्टार? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एज वेल एज द मोस्ट ऑसम थिंग दैट यू केम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन? मेरा ट्रांजिशन हो गया है क्या? आई थिंक यू स्टार्ट ग्रूमिंग योरसेल्फ। वो एक बहुत एज एन एक्टर आप हर फिल्म से अपने आप को ग्रूम करते हो, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे आपका पर्सोना हो। वो एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट रही है। मैं अगेन मैं अपने आप को वापस पीछे देखता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें अपने में गलत लगती हैं, अभी भी बहुत चीज़ें गलत लगती हैं, लेकिन उसी को सुधारते सुधारते आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट एक ट्रांजिशन अगर आप में ग्रोथ रहेगी तो ट्रांजिशन होता रहता है। जैसे तुम मतलब आज ट्रांजिशन के जरिए तुम आज सूट पहनो ब्लेजर पहनो, पेट छुपाए हो, पेट छुपाए हो, खाना कम खाए तो ये ट्रांजिशन अच्छे लग थैंक यू थैंक यू। जो जो जैसा जैसा बोला वैसे ही बोलते रहे, वेरी नाइस। एंड हाउ मेनी पीपल वांट टू बिकम एन एक्टर ओवर हियर प्लीज रेज योर हैंड। ओ माय गॉड ये सब इंजीनियर्स हैं? नो एक है ये बनेगा एक्टर। टीचर के सामने एक्टिंग, वायरा में एक्टिंग, हर जगह एक्टिंग। तो उनको पॉइंट कर रहे थे वोटर, मुझे
So Karthik, any advice you want to give to these actors? अपने दिल से advice दो ऐसे. I think advice मतलब see there's no एक तरीका नहीं है कि मैं बोल सकता ऐसे कर लो तो आप एक्टर बन जाओगे and but the only thing is कि don't lose confidence in yourself. That is something I me going कि मैं खुद पे हमेशा से believe करता रहा and वो चीज मैं इतने सारे auditions हैं thousands of auditions दिए हैं और उनमें reject हुआ हूँ तो उसके बाद भी कई लोगों का ये होता है कि वो दिमाग में बैठ जाता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ है शायद इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ आई फील दैट्स नॉट द केस आई थिंक यू शुड कीप वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड मैं हमेशा ये बोलता था कि शायद इनकी गलती है इनका लॉस है ये मुझे नहीं ले रहे ये मेरे दिमाग में चलता रहता था एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ दैट्स द ओनली थिंग